आपने टैक्सी बुलाई है? मैंने बुलाई है. इट्स वेटिंग. थैंक यू. क्यों? जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है. अच्छा, तू चल रहा है मेरे साथ? नहीं, तुझे तेरे घर ड्रॉप करूंगा और मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाऊंगा. साले, मैं घर क्यों जाऊंगा? भूल गया, इस कमीने को कुछ प्रॉमिस किया था. ला, तेरी टाई दे. क्यों? दे दो. मुझे नहीं लगता ये पढ़ने के बाद तुम इंटरव्यू के लिए जा पाओगे. क्या है? चिट्ठी है तेरे लिए, आई है हंगरी से. कोई फोटोग्राफर है, आंद्रे इस्तेमान. सारे तुम लोगों ने मेरी चिट्ठी पोस्ट कर दी? तेरे फोटोज उसे बहुत पसंद आए. पगला गया साला, तुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है. एक साल के लिए ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में काम करने के लिए बुलाया है. कहता है तुझे सैलरी भी देगा. अब्बा नहीं मानेंगे. जाओ उनके पास, प्यार से समझा उनको. आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी. क्या ख्याल है, पसंद आएगा उसे? इतना महंगा वाला खरीदने की क्या जरूरत थी? आज साहबजादे को नौकरी मिल रही है, अब तो सर उठाकर फख्र से घूमने के दिन आ रहे हैं और तुम कंजूसी कर रही हो. हैं? अरे फरहान, फरहान, आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना? मैंने किया. मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता अब्बा. क्या हो गया? यू हैड एन एक्सीडेंट? सर वो सामने जो बिल्डिंग है ना सर, मैं उसके 3rd फ्लोर से कूद गया था सर. व्हाई? क्योंकि मुझे रस्टिकेट कर दिया गया था. क्यों? सर मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पे पेशाब किया था. वो शैतान रैंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग. बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा. रांची बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा आए उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा. अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अब स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे. इंजीनियर बनके फिर स्टेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा. बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा. अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया. वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है. वो क्या सोचेंगे? कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था, मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे. अपने कंधे पर बैठाकर कपूर साहब मुझे जू में घुमाने नहीं लेके गए थे. वो सब आपने किया था अब्बा, आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे मुझे तो उनका पहला नाम तक नहीं पता. फिल्म देख कर आए हो, ड्रामा कर रहे हो? बस भी खींचे, परेशान है बेचारा. खुदा ना करे राजू जैसे कुछ कर बैठे तो. फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई ना. कुछ मत कहो साहबजादे से वरना छत से कूद पड़ेंगे. नहीं अब्बा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस. वो जो रांचो ना जिसे आप शैतान कहते, उसने जबरदस्ती इसमें आपका और अम्मी का फोटो डलवाया. कहने लगा कि प्रॉमिस कर जब भी ऐसे स्टूपिड ख्याल आएंगे तो ये फोटो को देखने और सोचना कि इस स्माइल का क्या होगा जब ये तुम्हारी उदड़ी हुई बॉडी देखेंगे. तो अपा, मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं पर ये सुसाइड की तलवार आपके सर पर लटका कर नहीं. क्या होगा अगर मैं फोटोग्राफर बन गया
तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, पर अब मैं खुश रहूंगा। आई विल बी रियली हैप्पी। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए ना, प्लीज अब्बा। अब्बा अब्बा जाइए मत ना प्लीज। इसे वापस कर देना बेटे। तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? इस लैपटॉप के अगेंस्ट आ जाएगा ना? अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटा। जा बेटे, अपनी जिंदगी अच्छी। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं, कोई खास वजह? डर सर, बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा। मैं डरने लगा, यहाँ आया तो देखा रेस लगी हुई है, फर्स्ट नहीं आओगे तो कोई जानेगा भी नहीं। मैं और डरने लगा, फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेट सर, और अंगूठियाँ पहनने लगा, पूजा करने लगा। पूजा क्या, भगवान से भीख मांगने लगा, ये दे दो वो दे दो। 16 हड्डियाँ टूटी, 2 महीने सोचने का मौका मिला, तब बात समझ आई। सर आज मैंने भगवान से नहीं कहा कि मुझे जॉब दिला देना, मैंने सिर्फ हाथ जोड़े और इस लाइफ के लिए थैंक यू बोला। अगर आप लोग मुझे आज रिजेक्ट भी करते ना सर, तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ढंग का तो कर ही लूँगा सर। देखिए, आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें एक डिप्लोमेटिक आदमी की ज़रूरत है, आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बट अगर आप हमें भरोसा दिलाएं कि आप अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो कुछ हो सकता है। दोनों टांगे तुड़वा के अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया सर, बड़ी मुश्किल से आया है एटीट्यूड, नहीं होगा सर। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। आई एम सॉरी, डोंट माइंड सर। रुको, 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, जॉब पाने के लिए लोग हमारे हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? जी मैं सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें।